नमस्ते, मैं राखी। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑस्कुलेटर यूज़ करके डिविजिबिलिटी चेक। आज भी हम ऑस्कुलेटर का यूज़ करके डिविजिबिलिटी चेक ही डिस्कस करेंगे। हमारा लास्ट एपिसोड था जैसे डिवाइजर का नंबर ऑफ डिजिट था 2 डिजिट, लेकिन आज हम नंबर ऑफ डिजिट रखेंगे डिवाइजर का 3 डिजिट। जो प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे वो प्रोसेस में एनी नंबर ऑफ डिजिट ऑफ डिवाइजर के लिए प्रोसेस एप्लीकेबल है, लेकिन हम हमारा डिस्कशन सिर्फ 3 डिजिट डिवाइजर तक ही रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो अभी ये प्रोसेस को हम शाम के साथ एक्सप्लेन करते हैं। हमने यहाँ पे एक 8 डिजिट नंबर लिख के रखे हैं जिसका 299 से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ये एक 3 डिजिट नंबर है, तो जो प्रोसेस अभी हम डिस्कस कर रहे थे शुरू में बोले हैं उसी प्रोसेस को हम अभी अप्लाई करेंगे। तो ये नंबर 299 9 एंडिंग नंबर है, तो इस पे हम एकाधिकरण पूर्वन रूल अप्लाई करके इसका पॉजिटिव ऑस्कुलेटर निकालेंगे। तो हमारा पॉजिटिव ऑस्कुलेटर इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 3, लेकिन इसमें हम 2 डिजिट कवर हो रहा है, 99 है, 2 डिजिट कवर हो रहा है, इसीलिए इस पॉजिटिव ऑस्कुलेटर का नाम देंगे हम P2। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है कि जैसे हमारा यहाँ पे 2 डिजिट हम कवर कर रहे शुरू में ही बोले हैं, इसीलिए हमारा डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम नंबर को 2 डिजिट करके ग्रुप करके लिखेंगे। अब कैसे लिख रहे हैं देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 84 लिखेंगे, उसके बाद 23 लिखेंगे, उसके बाद 49 लिखेंगे, उसके बाद 69 लिखेंगे। लेकिन हमने प्रीवियस एपिसोड में जितने भी साम किए थे उसमें हमने इस तरह से 2 डिजिट करके ग्रुपिंग नहीं किए थे, क्योंकि हमारा उस टाइम जो डिविजिबिलिटी चेक हम कर रहे थे डबल डिजिट नंबर का, तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर आ गया, इसीलिए हमने ग्रुपिंग हमारा चेंज हो गया। इस तरह से हमें ग्रुप करना पड़ेगा। इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस क्या था, हमारा जो ऑस्कुलेटर है उस ऑस्कुलेटर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, 84 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं है कि हम 4 को मल्टीप्लाई 3 से करके उसके बाद 8 प्लस करेंगे, जैसे हमारा प्रीवियस प्रोसेस था उस तरह से हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 84 को पूरा हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारा मल्टीप्लीके करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 23 से प्लस करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है 240 प्लस 12 252 प्लस 23 दैट इज़ 275। इसमें अभी ये 3 डिजिट नंबर आ गया, अभी हम 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसके बाद हम 2 को प्लस करेंगे एंड 49 को प्लस करेंगे। तो 75 इंटू 3 इज़ 210 प्लस 15 225, तो यहाँ पे आ रहा है 225 प्लस 2 प्लस 49 225 प्लस 51 दैट इज़ 276। इस स्टेप में हम 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उसके बाद प्लस 2 प्लस 69, तो 76 इंटू 3 इज़ 210 प्लस 18 इज़ 228, तो 228 प्लस 2 प्लस 69 दैट मीन्स 228 प्लस 71 ये आ रहा है 299। ये लास्ट डिजिट हमारा डिवाइजर के साथ इक्वल हो गया, दैट मीन्स ये नंबर हमारा जो ये डिविडेंड हमने लिए थे वो 299 से डिविजिबल है। ये स्टेप्स थोड़ा सा अलग है, हम और एक सम के साथ इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। प्रीवियस सम ने हमने पॉजिटिव ऑस्कुलेटर यूज़ करके डिविजिबिलिटी चेक किए थे। यहाँ पे जो 9 डिजिट नंबर लिखे हैं ये डिविडेंड 9 डिजिट है और डिवाइजर जो है 401 है जिसका हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है। ये 1 एंडिंग नंबर है तो इसमें हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें ये 3 डिजिट नंबर है तो हम 2 डिजिट कवर कर रहे हैं, इसीलिए हम नेगेटिव ऑस्कुलेटर को एक्सप्रेस करेंगे Q2 से, और Q2 होगा हमारा 4। अभी यहाँ पे देखिए, जैसे हम लास्ट साम में भी हमने बोले थे कि P2 हमारा आया था क्योंकि हम 2 डिजिट कवर कर रहे थे, तो यहाँ पे 401 हमारा डिवाइजर है जिसमें हमारा Q2 आ रहा है 4। सपोज़ हमारा डिवाइजर हो गया 401, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम 3 डिजिट कवर करेंगे और इसको एक्सप्रेस करेंगे Q3, और Q3 यहाँ पे हो जाएगा 4। यहाँ पे भी हमारा 4 ही ऑस्कुलेटर, नेगेटिव ऑस्कुलेटर बन रहा है, यहाँ पे हम
थ्री डिजिट कवर कर रहे हैं तो टू डिजिट के लिए हम जैसे टू डिजिट टू टू करके नंबर डिजिट लेकर हम ग्रुपिंग कर रहे थे, जब हमारा थ्री डिजिट कवर करना पड़ेगा उस टाइम हम थ्री थ्री डिजिट लेकर हम ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस सेम होगा जो फोर ऑस्कुलेटर लेकर हमें चलना पड़ेगा। तो अभी हम टू डिजिट तक ही रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसका डिविजिबिलिटी चेक एक बार एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें टू डिजिट करके ग्रुपिंग कर लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 72, उसके बाद 33। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें नेगेटिव ऑस्कुलेटर प्रोसेस में हमारा क्या था, हमें अल्टरनेट नंबर को हमें विनक्यूलम देकर एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम 33 के ऊपर बार लगाएंगे, उसके बाद 26 के ऊपर बार लगाएंगे। हमारा जो प्रोसेस हमने लास्ट एपिसोड में यूज़ किए थे विनक्यूलम लेकर, उसमें हमने सिंगल डिजिट, हमारा सिंगल डिजिट करके चल रहे थे, इसीलिए हमारा सिंगल डिजिट के ऊपर विनक्यूलम लगाए थे और उसी को हम मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, हमारा डबल डिजिट लेकर डबल डिजिट के ऊपर विनक्यूलम लग रहा है, तो हम ये 33 पूरा ही हमारा नेगेटिव नंबर बन गया। अब हम कैसे प्रोसेस कर रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमें 72 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये आ गया 288। नेक्स्ट 288 माइनस 33, तो हमारा आंसर आ गया 255। इसके बाद क्या होगा, ये थ्री डिजिट नंबर हो गया तो हमें 2 के ऊपर विनक्यूलम बार लगाना पड़ा। उसके बाद 55 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये हो गया 220। नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, देखिए 220 माइनस 2 माइनस प्लस 14, दैट मीन्स 220 प्लस 12, दैट इज 232। फिर से यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है वो नेगेटिव हो गया, इसके बाद 32 को हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, दैट मीन्स 128 माइनस 2 माइनस 26, दैट इज 128 माइनस 28, दैट इज 100। 100 के 1 के ऊपर हमारा नेगेटिव साइन लगाना पड़ा। नेक्स्ट हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 का, तो यहाँ लास्ट स्टेप क्या हो रहा है, 0 ये माइनस 1 एंड प्लस 1, दैट इज़ 0। ये लास्ट डिजिट हमारा 0 आ गया, दैट मीन्स हमारा जो 9 डिजिट नंबर है ये नंबर 401 से डिविजिबल है। अब देखिए, इतना बड़ा नंबर हमें डिविजन किए बिना हमें पता चल गया, सिर्फ एक 4 से मल्टीप्लाई करना है करके हमें पता चल गया ऑस्कुलेटर यूज़ करके कि ये नंबर 401 से डिविजिबल है कि नहीं। यही है ऑस्कुलेटर का एडवांटेज। अभी हम और एक इसी प्रोसेस में डिस्कस करते हैं। अभी हमने एक 9 डिजिट नंबर लिए हैं जिसका डिवाइजर हमें जो जिसका डिविजिबिलिटी चेक करना है वो है 367। ये नंबर 9 वन एंडिंग है, 9 एंडिंग नंबर है, लेकिन ऑस्कुलेटर यूज़ करने के लिए हमें इसको इधर वन एंडिंग और 9 एंडिंग बनाना है। तो हम सबसे पहले 9 एंडिंग बना के देखते हैं, दोनों में हम एक बार चेक करेंगे कि कौन सा प्रोसेस में हमारा कैलकुलेशन आसान होता है। तो सबसे पहले 9 एंडिंग बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से मल्टीप्लाई एक बार करते हैं, 7 7 49 2569। अभी देखिए, इसको अगर हम इसके ऊपर अगर हम पॉजिटिव ऑस्किलेटर लगाते हैं तो हमारा P1 क्या बन रहा है, P1 बन रहा है 257। हमें एकाधिकरण पूर्वना यूज़ करना पड़ा, तो इस 257 को लेकर, तो हमारा पॉजिटिव ऑस्किलेटर 257 है, मतलब उसको लेकर हमें फिर प्रोसेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ एक बार वन एंडिंग नंबर बना के देखते हैं, तो 367 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 7 21। अब इस पे अगर हम नेगेटिव ऑस्किलेटर यूज़ करते हैं तो नेगेटिव ऑस्किलेटर यूज़ करने से क्या होगा, Q2 अगर हम लिखते हैं वो हो जाएगा 11, हम जिस प्रोसेस से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर हम Q1 लेते हैं तो Q1 हमारा क्या होगा, जस्ट 1 को ड्रॉप कर देने से ये हो जाएगा 110। अब देखिए, Q2 लेकर कंटिन्यू करना ज़्यादा आसान है,
इसीलिए हम Q2 लेकर कंटिन्यू करेंगे। और Q1 और P1 ये दोनों को हमारा एक थ्योरी हमने ऑस्किलेटर डिस्कस करने के टाइम में हमने बोले थे कि P+Q=D, दैट मीन्स हमारा P1+Q1=D होना चाहिए। दैट मीन्स 257+110 दैट इज इक्वल्स टू 367। तो हमारा ये थ्योरी भी प्रूफ हो गया कि अगर हम P1 257 है, Q1 110 होगा, तो हमारा दोनों को ऐड करने से P+Q=D। लेकिन हमारा देखिए Q1 से भी आसान होगा Q2 लेकर कंटिन्यू करना, इसीलिए हम Q2 लेकर ये शाम को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा Q2 बना है 11। तो सबसे पहले तो हमें ये टू डिजिट कवर कर रहे हैं, तो जैसे हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे, हमें टू डिजिट करके हमें ग्रुपिंग करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 37। हम नेगेटिव ऑस्किलेटर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हमें अल्टरनेट नंबर के ऊपर विनक्यूलम लगाना है। नेक्स्ट 37 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। हमने 11 का मल्टीप्लिकेशन का एक स्पेशल रूल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम इसका प्रोसेस क्या है, हम पहले 7 को लिखेंगे, वन डिजिट को लिखेंगे, उसके बाद 7+3=10, वन कैरी ओवर, वो 3 के साथ ऐड होगा 4, दैट मीन्स 37 × 11 इज 407 −84, क्योंकि ये नंबर हमारा नेगेटिव था, दैट इज 323। ये 3 डिजिट नंबर आ गया, तो हमें इसके थर्ड डिजिट के ऊपर हमें विनक्यूलम लगाना है। तो 23 मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 353 + 61 = 314। अभी इसके ऊपर हमें 3 के ऊपर हमें विनक्यूलम लगाना है, एंड 14 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 11। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 451 − 3 − 85, दैट मीन्स 154 − 88। यहाँ पे यह हमारा डबल डिजिट नंबर आ गया, डबल डिजिट नंबर है तो हमें इसके ऊपर विनक्यूलम लगाने की जगह नहीं है, क्योंकि थर्ड डिजिट जो है वो 0 है। तो हमें 66 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये होगा 627, 726 + 8, तो ये आ रहा है 734, दैट इज इक्वल्स टू 367 × 2, दैट मीन्स 367 का एक मल्टीपल है 734। इसका मतलब है ये नंबर जो है ये 367 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमारा पता है कि डिवाइजर भी आ सकता है, नहीं तो उसका मल्टीपल भी आ सकता है, जो हमें यहाँ पे आया है। अच्छा, एक चीज़ हमें एक बार मैं बता देती हूँ, हम जब ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग का राइट हैंड साइड से हम टू डिजिट लेकर हम ग्रुप करते हैं। अपने प्रीवियस सम में भी देखे हैं कि उसी तरह से हमने पहले राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट टू डिजिट है उसको लिखे हैं, उसके बाद राइट टू लेफ्ट हमने मूव किया है, टू करके लिखेंगे, उसके बाद लास्ट डिजिट अगर 2 बचता है तो 2 डिजिट होगा, नहीं तो सिंगल डिजिट होगा, जैसे ये सम में हमारा सिंगल डिजिट आया है। तो ये हमारा आज का लास्ट साम था, और डिविजिबिलिटी लेकर, डिविजिबिलिटी चेक लेकर जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, ये उसका आज लास्ट एपिसोड है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्टे सेफ, नमस्ते।